भीती वाटते काय माहिती का? जीन्स नंबर 1, जीन्स नंबर 2, जीन्स नंबर 3, जीन्स नंबर 4, 5, 6, शर्ट नंबर 1 और ये सारी जीन्सें और इसके नीचे का शर्ट। लेकिन फाइनल क्या हुआ? हमेशा की तरह ब्लैक एंड व्हाइट। इस पे कोई जैकेट लगाऊंगा और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वो व्हाइट कलर का कुर्ता रहेगा। कहाँ पे जा रहा हूँ पता चलेगा। करण जी बड़े लोग हो गए ना बड़े, तो अभी आजकल पत्या बेचारा ड्राइव करता है। कितना अच्छा है पत्या है, ये ड्राइव करता है। तो इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि हम एक्चुअली जा रहे हैं मुंबई। तो मुंबई क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे बाप्पा का दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ जगहों से आमंत्रण है और कुछ जगहों पे हम घुसने वाले हैं, मजा आएगा। और हमारे साथ निप्या ड्राइविंग सीट मांग रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखो बाबा पार्टी आराम कर आ जा। शपथ निपचा सुधर गया दोस्तों, रातों रात बंदा सुधर गया है। अभी उसको ड्राइविंग चाहिए क्यों पता है क्या? उसको पीछे नहीं बैठना है, उसको पता है मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मैं हिलूंगा नहीं। उसकी मजबूरी है कि उसको गाड़ी ही चला सकता है, पीछे बैठना नहीं। उनको सबको पीछे बैठने से प्रॉब्लम है। पीछे बैठने के बाद इनके दिल में धड़कने नहीं रहती है, इनके दिल में हवस आ जाती है कुत्ते के। चार कुछ चलना डन मारा फिर इधर आ गया। अरे तू तो मोटा मानूस झाला होता ना, तेरे को गाड़ी अच्छा नहीं लगती ना चलाने। चला तो मैं गाड़ी चलाते मागे नंतर चालवणार आहे। तू आपलीच गाडी आहे, तो थकला का तू चालव, तू थकला का तो चालवेल। आता रोशन पण आहे, तो पण चालू शकतो वन साइड। अरे उघड ना कुत्र्या, उसको बोल डोर ओपन करो। ए बाबा उघड बाबा। हा चिकटकट रे। अरे ही रिचनेस वर त्याची, उसको बोलो डोर ओपन करे तो ही करूंगा। अरे तुझी लाइक की शून्य। अरे करण जी मैं जानना चाहता हूँ ड्राइविंग सीट पे कैसे आ गए दोस्त? नहीं भाई क्या है, मैं गाड़ी पहले भी चलाता था, थोड़ा डर बैठा था, लेकिन अभी इट्स ओके ना भाई। मजबूरी बैठी है। मतलब ऐसा पीछे बैठना नहीं है तो आगे गाड़ी चला। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैं गाड़ी वैसे भी चलाने वाला था। मैं तुमको अरे ये फोकस क्यों मार रहा है? अरे नहीं तो गाड़ी मेरे को आगे का नहीं दिख रहा है। अरे गाइस ये फोकस देखो, गोप्रो है तो फोकस जरूरी है। हर बार आईफोन और हर बार रात को आईफोन दिखाते हो, मुंगिया आती है, मुंगिया दिनेश मुंगिया। वैसे दोस्तों अभिजीत अपना जोशी जी जो है, मतलब प्राउड इज्जत, तो वो व्यक्ति नहीं है हमारे साथ क्योंकि उसको थोड़ा अजरपन आया है। एक सभासद जुड़ चुका है, मतलब अभी टोटल हम हो गए 5, लेकिन फिर भी तीनों आगे ही बैठे। ये एक लग्जरियस कार है, पीछे इंदा आराम से इंसान बैठ सकता है, बट उनको पीछे नहीं बैठना है, उनको आगे ही एडजस्ट करना है। देखो तीनों एडजस्ट कर रहे हैं। हम ओमनी वाले हैं, हमको इधर ही बैठना है। तो हम लोग को है ना चिपक के मिरर में घूमे हुए बंदे हैं, हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है एक दूसरे के मांडी पे और सोले के चालू। तो तू ड्राइविंग पे क्यों आया बच्चा? तू भी जाना पीछे। मेरे को ड्राइविंग पसंद है ना, तो उस दिन जैसा फीलिंग आएगा वाशी टू मुंबई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सच है। उस दिन तो नैराश्य में घुसे थे हम, लास्ट स्टेप थी डिप्रेशन की दोस्तों, ऐसी ड्राइविंग चल रही थी। नको थे दिवस पुन्ना, अभी मस्त जा रहे, चिल करके जाएंगे, चिल करके आएंगे। करण जी भाईगिरी करता हूँ ना। आप कौन से गांव का नाम लेने वाले इस बार? मैं नाम ले रहा हूँ, इधर आगे गांव है दुबई का किछाड़। चिकली, चिकली, चिकली। नहीं दुबई का किछाड़, डॉल्फिन, डुबलिन, डुबलिन। हाँ दुबई का डुबलिया, दुबई का डॉल्फिन, डॉल्फिन। अगो भाई टैग झाला, कुठे टैग? अरे यार काय रे की नाही रे करण, अरे काय माझी लाईना यार, टॅग अक्का खराब करून टाकला मूड। हट यांच्या इटकिली। अरे श्रीमान कुठे आहे टॅग? अरे उधर किधर टॅग? इकडे इथं स्कॅन झाला रे शी। अरे इथं स्कॅन होतोय मग एवढ्या आतमध्ये खालवले, दुबईच्या डिगल्या घालवलं। ए अभी अभी आगला टोल ना काय ना, उसपे तू क्या बोलेगा? चिखलीचा चोम्या, चिखले का चोम्या, चिखल्याचा चोम्या रे। आणि हाच लुक, हाच लुक पाहिजे, हाच लुक पाहिजे। पहिले मी थांबतो आणि तुम्हाला विचारलं कुठला चिखल्याचा चोम्या कोण विचार तमी काय? पहिले फक्त चोम्या बोल, नंतर बोल चिखल्याचा चोम्या। ए जरा टाइम पास होतो, ओवर होतोय। अरे पण पहिले चिखल्याचा चोम्या ठीक आहे, चिखल्याचा चोम्या इकडे आलं तर मग सोडणार। पण हा मग एक काम कर, भोसरीचा भप्प्या नको रे, ओर होते।
भोसरी शहराचा माणूस इकडे कुठे आला बप्प्या करायला सिग्नल घे करून घे सिग्नल खाली घे ना काच खाली घे ना आम्ही पाण्यातून नेणार आम्ही पाण्यातून नेणार अहो काय नाही बिंदा रोजचे काय विषय नाही करे चिखलीचा चोमा तर घे ते दामदार मामा विचारू दे चिखलीचा चोमा मॅरे काय नाही रे काय बोलतोय बोला मामा चला जायचं पाण्यात ना चला चला नाही बुडलं तू येतो रिटर्न चल चल हा टेक केअर बच्ची हात दे हात दे भाऊनो पाणी पाणी भरलंय भाऊनो पाणी भरलंय पाणी भरावंय पाणी भरावंय रुको आता गाडी चालू आहे काही क्षणात गाडी बंद होऊ शकते आता मी लाईव्ह शो बघणार लाईव्ह शो चल जाने दे गणपती बाप्पा थोडी हळू घे का माहिती का खड्डा जास्त असेल तर गाडी पाण्याच्या आत जाऊ शकते तुम्ही रेडी आहेत का घाबरताय आय डोंट नो तुम्हाला दिसतंय का नाही हळूहळू टाक मी पहिले टायर बघतो जबाबदारी तू घेतो हा मी घेतो पत्या अरे उधारी बाकी अरे खूप जास्त अरे बाबा मी एक टायर बघतो आम्ही तरच पुढे टाका का जा उतर खाली जा तुझी पण अरे मला दिसतंय इथं क्लिअर अरे बुडणार गाडीत पाणी येईल पाणी येईल गाडीत पाणी डायरेक्ट पण नाही नको अरे हे बघ वाहते ओटी टाइम हे पाणी गेलं काय गेलं अरे काय गेलं हे पाणी कुठे गेलं अरे यार याला दिसत पण नसेल काय अरे पोहायला तर मला पण जमत गाडी टाकून हे पाणी खेळते आपल्या बरोबर हे बघ उकड्या फुटल्या टोल घेताय 44 रुपये आणि हा समुद्र तर कमी व्हायचं नाव घेत नाही मग इथं किती वेळा गाडी फिरवायची पत्या तुला भीती नाही वाटत नाही मी काढू का गाडी काढायचं विषय ऑरा निघते अशी पटीत ना मग डायरेक्ट पाणी आतमध्ये अरे हिचा ग्राउंड क्लिअरन्स किती वरती याला कॉन्फिडन्स आहे असा डाऊट येतोय अरे तू हळूहळू घे जर पूर्ण टायर बुडाला ना मी सांगतो की त्यांनी जर आपल्याला एवढी मोठी गाडी रिटर्न न्यायला सांगितली ना तर त्याच्या मागे लक्ष याला पण सांगतात नाही हॅरियर लेके गया मैं इतने पानी में मुझे याद है बट वो डे था रात को पानी बुला रहा है ऐसा लग रहा है रे ये तो ये दोस्तों पानी है ना ये देखो ना बुला रहा है रे पानी बुला रहा है डर लग रहा है कमी होतो ना तेव्हाच नेमकं टाक गाडी पण नाही ट्रक ट्रकच्या मागे टाकशील का हा बेस्ट आहे बेस्ट आहे ट्रक घ्या पण ट्रक येई पण इकडे जेवण बिवण मागवा वेट करणार पडेल त्या तुला सांगू का मी अहो बघ तुला पाहिजे जा बाहेर तुला मी दाखवतो किती खड्डे शूज घातले नाही तर उतरलो असतो मी आता तर मोठेपणा करत होतो भाई बघतो ना तू बाहेर मी जातो बघतो अरे जाईल इथपर्यंत जाईल त्याच्या पुढे काय तू गाडीला लटक मग नको रोशन नको एक काम कर रोशन आहे तू चपला काढ आणि पॅन्ट वर कर अशी चप्पल राहू दे ना मला असं माहिती आहे का हे खोल आहे पुढे मधी खड्डा आहे खोल आहे मग तुला मी काय सांगतो ऐक 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 कर ऐक हे बाजूचे दिसतात का बाजूचे ते बुडले नाहीत बरोबर म्हणजे अर्धा फूट पाणी आहे बाबा अर्धा फूट पाण्याच्या वर आहे थोडस अर्धा फूट पॅन्ट वर करून जातो हा थांब रोशन जा रहा है दोस्तों रोशन जा रहा है ब्राइटनेस बढा देता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छा लुक आए पैन वर गे रे पैन वर गे क्या लगता है दोस्तों क्या रोशन डूब के बुड़ जाएगा एक रोशन ये बगल लगे मस्कर ना गाड़ी बंद पड़े सिमान अरे रोशन ये म्हणजे माणूस गेला तरी चालेल भाऊ अरे जाईल गाडी आज होऊ दे खर्च हो दे खर्च जाणार आपण बा बुडलो तर आपण रिटर्न मारू मी टाकतोय मी एक काम कर मी चालू नाही मी टाकेल गाडी बाबाला दे मी तू शूट कर मी टाकतो गाडी पण बंद पडली काय झालं तुमची जिम्मेदारी काम मी चालवतो ना मी गॅरंटी देतो नाही बंद पडणार चल अरे काय नाही ये रे काय विषय नाही जिंकलो आपण चल हो दे खर्च बाबा सरपंच नाही आहे तरी सुद्धा थांब काच नको बंद करू ट्रकवाला आला अगो बाई ट्रकवाला आला ये भले भले अगो बाई अगो बाय अगो बाय अगो बाय भाऊ ना बघा ए बाय तिकडा करा आका तिकडा करा हळू 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 चालो चालो जाऊ दे हळू जाऊ दे हळू जाऊ दे हळू 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 स्लो स्लो अगो बाई हे बघा
अरे कारण बंपरच्या वर पाणी आलं माहिती का इंजिन पर्यंत लाईट दिसत नाही पुढची गाडी कुठे चालली दिसली पाहिजे एकदा थांब जरा गाडी चेक करूया भावांनो गाडी चेक कर तू बाबा बोनेट उघड कर नाही नाही बाबा धूर मारला पाणी काय लागलं पाणी थोडं बोनेट उघड जरा चेकिंग करूया बोनेट कुठे तुझ्या राईट साईडला दोस्तो एक बार चेक कर लेते हे यार त्याच्यात घाणब हो रे हे सुद्धा आता आपण सफारी अशी झालेली असे होळी झालेली अरे तो चालवता हा सब ठीक आहे सब सही सलामत आहे दोस्तो बच गए रेडिएटरला पाणी लागलं हे आतमध्ये पाणी पण आलंय का ना आतमध्ये नाही येणार चिकन भर प्लेट हॅज बीन क्रॉस अरे मला दिसतोय त्या लाटा आता समोर ना पण हा गेली घाबरून गाडी मध्येच थांबवली थांबवली नाही मला काय होती का व्हिडिओ चेक कर ना का अरे याचे रिएक्शन नाही आले ते आज नाही गाडी में स्लो चलाने की होती गाडी मतलब पाणी बीच में रुका अरे रुका मतलब मला लाईटच बंद झाल्या गाडीच्या बोल झालं संपलं गाडी अशी 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 गाडी करतो अरे बाप्पा राहिला विसर्जन अरे मी नव्हतो करत ट्रक गेला पण सुसाट त्याच्या लाटांनी गाडी अशी अरे पण ट्रक कसा कॉन्फिडन्स मध्ये गेला रे ट्रक वाला दोस्त मायकल शुमाकर बनके काय आता सांगू का बाबा तुम्ही बोलले बघ ट्रक चल 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 बघ तुम्ही एखाद्या समुद्रात पण बोट गेली चल 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 कराल आणि बाबा बाप्पा राहिलं बाजूला आपण विसर्जन व्हायचं बाबा दुसऱ्या गाडी अगर ओव्हर राहत लाय वल्लव लेके सांगतो व्यारण की ओव्हर असते ना कपका वेगळी आई शंपर डेंजर जगातला सगळ्यात मोठा रिस्क आहे बाबा अरे उधर दोस्तों उधर है ना भेके आप जा नहीं सकते थे कहीं पे आपकी गाड़ी वही स्टॉल हो जाती उधर से उतर के इज्जत से रिटर्न घर जाना पड़ता है मालूम है क्या वो ऊपर से पानी आ रहा था ना फ्लो में लेके गया वो मेरा काकू बोए पक्का स्पीड नहीं वाते वाटा अब गो बाप रे बोला ए पण रेडिएटर ला कचरा लागला पण काय प्रॉब्लेम नाही ते काय ते निघून जाईल हां ते सुगुण निघून जाईल हम अभी मुंबई में आ चुके हैं अब हम दर्शन लेने वाले सबसे पहले अपन कहां पे जाने वाले चिंतामणि गणपति बाप्पा को दर्शन पहला होगा उसके बाद मुंबई का राजा ना यस और मे बी लालबाग का राजा का दर्शन भी हो सकता है देखते हैं मजा आएगा अच्छा लगा गणपति बाप्पा मोरिया मुंबई नगरी में हम आए हैं लेकिन गर्दी देखो ये गर्दी देख के ना दोस्तों टेंशन आ जाता है टेंशन कि क्या कर रहे किधर जाए कुछ अभी मुंबई का राजा का दर्शन होने वाला है बंदे है वो बोल रहे कि मास्क लगाओ मास्क लगाने की जरूरत क्या है यहाँ पे ऑलरेडी गर्दी कौन किसी को देखने के लिए टाइम भी नहीं आराम से करेंगे विशेष लोग मुंबई का राजा उतर गए दोस्तों देखो मुंबई का राजा के अपने सब उनके लोग अपने को लेने के लिए आए और गाड़ी 8 पार्किंग करी है यहाँ पे लेकिन इनकी ओळख है यहाँ पे तो अभी जाते दर्शन लेते इन्होंने बोला मास्क लो वही बोल रहे बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम डरेंगे नहीं चलो जाते मचाते हमने थोड़ी चप्पल निकल ली सबने ताकि उधर चोरी चपाटी ना हो और भारीतली चप्पल है भारीतली चप्पल है 500 रुपये काय म्हणतो बा बरस ना यात थांब आप आता जीव अडकलाय फोटो मध्ये थांब एक थांब फोटो काढ बाप 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 एक कोण ओळखणारच नाही मला आता अरे पण भावा लोक मला ओळखत नाही या रट्ट्यांना ओळखतात ते रोशन भेटलाय भावा कालच भेटला अरे तुम्ही असं अरे आम्ही पहिल्यांदा भेटतोय मी तर 5 भेटतोय तुला वाटतं मस्करी जीव मधुमारीची लक्षण होती सफारी तर ठेवून इथून असं बिन चपली पाडवा लागेल काम कर तिकडनं गेला बाजूलो भाई पहिले खूप फिरतो पहिले
पण नंतर मग ते राहूनच गेलं. 7-1 वर्षानंतर आयएस मी पण आणि लालबागला मी 4 वर्ष म्हणजे मला भीती वाटते काय माहिती का. वो बोल रहे की मास्क लगाओ. मास्क लगाने की जरूरत क्या है यहाँ पे ऑलरेडी गर्दी. कौन किसी को देखने के लिए टाइम मिले. अरे कुठे चाललं पण तिकडे कुठे बोल फिरू लागलं. अरे ते नाही येतात चल बरोबर. चला चला बाय 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 चला चला बाय बाय ब
का दर्शन हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अभी भाई की गालियां अभी भी नहीं रुक रही है, बैक टू बैक गंदी गाली कर रहे हैं, लेकिन एडिट नहीं होगा, ये आपको सुनाई देगा कि ये इंसान कितना कमीना है भाई। ये कमीना है कि नहीं? और लोग की एडिट होते रहेंगे क्यों नहीं? अरे तू बार बार गलौज कर रहा है कमीना साला। और ये सुमित भाई भी अपने साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि, बहुत मजा आया। यार मुझे लगा कोई ओळखीगा नहीं है क्या? मतलब ओळखीगा नहीं मतलब क्या, इतना लोग भगवान के दर्शन के लिए क्या बोलूं यार मैं। अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि और ये बोल रहे लालबाग का राजा करना है, मैं डर गया हूँ थोड़ा सा। नहीं चलेगा, कहाँ पे बैठा देखो, एकदम फ्रंट से डायरेक्ट डिमोट हो गया, पीछे आ गया मैं। क्या बोल रहा हूँ, प्यार से बुला रहे हैं। फर्स्ट टाइम तेरी आई से हालत की भाई, फड़फड़ के लेके आए तेरे को। हाँ ना, ए बट मुंबई का राजा गणपति है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा मान दिया इन लोगों ने, बहुत इज्जत दिया। गणेश गली का मुंबई का राजा, बहुत मान दिया, बहुत इज्जत दी, ये भी पहनाया, उनका एल्बम वगैरह दिखाया, बहुत इज्जत है, फुल इज्जत। यस आगे बढ़ते हैं। कैसे तैसे अंदर है और बाहर अभी दंगल है, और इन लोग ये सब लोग रक्षा रक्षा सब रक्षा करके निकलेंगे। Thank you.
बाईक लावल्या त्यांची डिमांड आहे त्याला खाली फोटो काढायचे. चला चला काम 25 रे माझी चिपचिपी चेतन बाय बांधील की थोडी तू स्लो नमस्कार नमस्कार तुम्ही पण बघता. धन्यवाद 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 पुलीस धन्यवाद धन्यवाद. नाव काय तुझं? योगेश. अरे योगेशला पुलीस फोटो काढणार 100% फोटो. अरे ब्लॉक मध्ये आला. एक मिनिट बाहेर भाडू बोलू. या साईड या साईड या साईड अरे या साईड या साईड नको नको जाऊ. चला थँक्यू सो मच मजा आली एकदम मस्त वाटलं. हे बघ नाही मीच काढतो आपला रोशन फ्लॅश मार तोंडावर. अरे लिम 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 माझ्या भिंड्या घ्या का व्हिडिओ झाला 100%. चल चल टेक केअर टेक केअर पतडू. ही टू तू दिसतच नाही गो म्हटलं महाजन श्रीमंत सेल्फी. चल पतडी राईट 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 हे चले पतू चल काढ गाडी पतू चल राईट 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 आहे. अरे ना आता काय करणार पुढे बागो बघले कुत्र्यार घे मारतात ती घे घे पटकन घे ब्रो ब्रो घे दादा बरोबर फोटो घे पटकन लवकर घे वास घे दादा एक नंबर भेटले. अरे पोलीस पोलीस भावा सुमडीमध्ये लपायला लागते मजबुरी काय करत मजबुरी म्हणजे कस करो ब्रो कस करा करा थँक्यू दादा तुझा सपोर्ट आहे ना 100%. आयुष्यामध्ये कधीतरी भेटू आणि त्या फील्डमध्ये मी पण फोटोग्राफर आहे सिनेमॅटोग्राफर आहे माऊली फोटोग्राफी म्हणून चॅनल आहे माझं. घे घे भाऊ घे. अरे कर्णू दादा काय बोलतो एक फॅन बिग फॅन सिनेमा दादा थँक्यू थँक्यू धन्यवाद खूप सारं प्रेम नवी हळू जा आणि काळजी घे. हा भाऊ चल टेक केअर टेक नो इश्यू बा काळजी घ्या आणि मस्त हेल्मेट बिलमेट ते व्यवस्थित गाठ मारून ठेवा. बहुत ज़्यादा भूख लगी है. तीन बाप्पा के दर्शन हुए लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो सुमित भाई मुझे एक जगह पे ले आए. यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ लेकिन ये अच्छी जगह है. यहाँ पे कैसा रात के टाइम पे भी खाना अवेलेबल आता है इज्जत के साथ. अभी अपन अंदर जाएंगे खाना खाएंगे और रिलैक्स रहेंगे. ए सुमित कुछ जाए थे बच्ची? अच्छा अंदर इधर से जगह है. इधर से अंदर जगह है. प्योर वेजिटेरियन खाना एकदम ट्रिपल राइस वगैरह एंड ऑल हायजीन होता है ना. हाँ इज्जत देखा इज्जत है. चला सांगा.
घरात घुसलो का आपण डायरेक्ट? इज्जत ना माझ्या काका सेक्सी ना माझा लेकरू ते. अरे इथे किती वेळा आलोय चायला. इधर बैठते चलो दोस्त. खाना हो गया और सुमित भाई को छोड़ दिया और अब फाइनली हम निकल रहे हैं तुंगारेश्वर, मतलब हमारा घर. तो हम वहाँ पे जाएंगे और अरे काय सरल थे चाय ची नुसता सरल सरल. इसको गंदी गाली दो दोस्तों, दो गाली इसको, गलोच करो करो गलोच कुत्ता साला डुक्कर. राइट चलो अभी घर निकलेंगे. उनके पास तो आ गए. ये मैंने देखा, अभी देखा, बहुत अच्छा लगा. चिंतामणि जी का वो हार रहता है ना, वो दिया हुआ है. मम्मी को बोला कि आप ही इसको उठाओ. मम्मी अभी जस्ट नींद से उठी है. मम्मी को बता दो आज क्या क्या हुआ है, फिर हम व्लॉग एंड करते हैं. फाइनली मैं आ गया. मम्मी ने हार देखा, अच्छा लगा मम्मी को. मैं अंदर से बहुत भरा हुआ हूँ दोस्तों. मैं क्या बोलूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी मम्मी के साथ बैठ के बात करने वाला हूँ और मम्मी को बोलूँगा चंपी करो ज़रा दिमाग की, सर शांति से सो जाऊँगा. अपना ही नेहमी का विषय. मैं अंदर से बहुत भरा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ मैं आपसे क्या बात करूँ. वहाँ का एक बंदा बोल रहा था कि ये जो क्रेज़ है ये हमने कभी फील ही नहीं किया यहाँ पे क्रेज़ ऐसा. मैंने जब गणपति बप्पा का दर्शन करने जा रहा था तो मैं इन लोगों को बोला कि अपन क्या करेंगे, अपन एकदम मस्त है कि मास्क पहनने की तो ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे गणपति बप्पा का दर्शन कर रहे होंगे, कौन आने वाला है, इतना टेंशन के विषय. लोगों को अपना दर्शन लेने का पड़ा होगा बराबर. ऐसे माहौल में लोग मैं समझ में नहीं रहा मैं क्या बोलूँ. मैं ये सब स्ट्रीम पे ही बोलना चाहूँगा, स्ट्रीम पे बोलूँगा. ज़रा ज़्यादा बोल का होता हूँ मैं स्ट्रीम पे मोस्टली, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने होते हो ऐसा फील आता है. ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं. बस थैंक यू दोस्तों, जो कभी सपना भी नहीं देख सकता कोई बंदा. ये मेरे पूर्वजों की पुण्य ही है, मेरे मम्मी पप्पा का आशीर्वाद है. जो आप जैसे लोग मुझे मिले और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले, ये अलग क्रेज़ है, ये अलग प्यार है. मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. मैं सो लेता हूँ, जाने दोस्तों थका हुआ हूँ थोड़ा सा ना, तो सो लेता हूँ. नहीं तो मैं बड़बड़ करता रहूँगा और आपका ये व्लॉग बढ़ता रहेगा. तो आप आराम करो, मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी व्लॉग में. लव यू यार, लव यू. चलो बाय. ए वो क्या उनका नाम है अपने, अरे डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जी को लाओ यार. बाय बाय गाइस, बाय.